बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ट्राउज़र के पांचे पे डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप शर्ट के दामन पे भी बना सकते हैं और आस्तीन पे भी। चलें आप स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग। ये देखिए ट्राउज़र मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने 1 इंच ज़्यादा रखी है। मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई पांचे के हिसाब से रखेंगे, इसकी लंबाई पांचे के हिसाब से रखेंगे और चौड़ाई इसकी मैं तकरीबन ये देखें यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये क्रॉस में निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का गैप रखेंगे, 0.75। अब इस पे एक और निशान लगाएंगे, ये भी 0.25 इंच पे लगाएंगे। अब इस लाइन को भी सीधा करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने दोनों पांचों के लिए हैं पीस और इसको पिन अप कर लेंगे ताकि जब मैं कटिंग करूं तो ये आगे पीछे ना हो। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने ट्राउज़र का सेंटर किया। सेंटर करने के बाद मैंने ये वाला पीस इसके ये यहाँ पे प्रेस कर दिया इस तरह से, और उसके साथ ये मैंने प्रेस किया है वो इसलिए कि ताकि ये बिल्कुल ये इक्वल साइज़ आए। ये बीच में पीस रखने का मकसद ये है कि ये साइज़ बिल्कुल सही आना चाहिए। अब बीच में 1 इंच का गैप छोड़ेंगे। ये देखें तकरीबन 1 इंच का गैप है। फिर दूसरी पट्टी लगाएंगे। अब ये देखें, एक पट्टी मैंने प्रेस कर ली है, उसके बाद इसके बीच में मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है और ये दूसरी पट्टी मैंने इसके ऊपर प्रेस की है। कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी कटिंग करूँगी और इस तरह के बहुत सारे पीस बना लूँगी। इसको मैंने गीला किया है। ये पट्टियाँ मैंने 4-4 इंच की पट्टियाँ काटने के बाद इनको मैंने गीला किया है। अब ये देखें, इसको मैं फोल्ड करूँगी। ये पट्टी मैंने रेब काटी थी, इसलिए ये आराम से घूम जाएगी। आप जिस शेप में भी इसको घुमाएंगे तो ये घूम जाएगी। देखें ये इस तरह से, और थोड़ी देर इसको यूं पकड़ के रखें। ताकि ये एक ही जगह पे सेट हो जाए। ये देखें, थोड़ी देर इसको पकड़ के रखें जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, तो ये अपनी जगह सेट हो जाएगी। मैंने एक पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और लंबाई पांचे के हिसाब से रखी है। अब इसको रिंग को इसके ऊपर रखेंगे। ये बिल्कुल ये लाइन के बराबर आना चाहिए। और ये सेंटर से भी गैप बराबर आना चाहिए। अब ये देखें, पहले ऐसे ही ये लगा लेंगे सारे रिंग एक ही दफ़ा। ये देखें, पहले ये स्टिच करेंगे। तो मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। करके रखेंगे और यहाँ से इसका गैप तकरीबन ये 1.25 इंच आना चाहिए। और सेम प्रोसीजर से ये पूरी पट्टियाँ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने पट्टियाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब ये इसके सेंटर में रखें। इसके ऊपर से आएगी पट्टी और इसके नीचे से, और यहाँ से इसका गैप बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इस पट्टी के ऊपर से आएगी और इसके नीचे से। अब इस पट्टी के ऊपर से और इसके नीचे से आएगी, और यहाँ से भी इसके जो मैंने निशान लगाया इसके बराबर आनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैंने तैयार कर ली हैं पट्टियाँ। अब इसको पांचे के ऊपर रखेंगे। दो ये भी सीधी साइड होगी और ये भी जो ऊपर वाली साइड है इसको ऐसे रख। दोनों पांचों की पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, इसके ऊपर स्टिच करके, और बिल्कुल ये सिलाई के साथ साथ सिलाई कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने पांचा रेडी कर लिया है। ये मैंने इसके नीचे से पेपर भी रिमूव कर दिया, और ये देखें, ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली थी, इसके नीचे लगा के अब इसकी मैं तुरपाई करूँगी। और ये देखें इसका लुक। व्यूअर्स, मैंने ट्राउज़र कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक देखें। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड तक वॉच किया करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।